नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी, जो डोसे के संग इडली के संग बहुत पसंद की जाती है। आइए देखते हैं इसकी सामग्री और बनाने की विधि। आइए नोट करते हैं इसकी सामग्री। चटनी के लिए 150 ग्राम नारियल पानी वाला, 50 ग्राम चने की दाल, नमक, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 4 हरी मिर्च और 5 शक्करियाँ लहसुन की छिली हुई। तड़के के लिए कड़ी पत्ता, रिफाइंड ऑयल, 2 लाल मिर्च, सरसों 1 चम्मच, हींग आधी चम्मच, आधी चम्मच से क्या 2 चुटकी ले सकते हैं इसमें, और पानी आवश्यकता अनुसार। आइए इसको पहले भून लेते हैं। सबसे पहले बस भून करते हैं। एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इसमें चने की दाल डाल धीमी धीमी आंच पे भून लेंगे। इसको हल्का ही हल्का भूनना है और ज्यादा लाल नहीं करना, हल्का सा, बिल्कुल भुनने की महक हल्की सी आए बस। अब इसमें नारियल, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन सब इसमें हल्का सा इसमें भून लेंगे। हल्का से भूनना है इसको। भूनने के बाद इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसको भून के अभी लगभग ठंडा हो चुका है। मिक्सी में इसको डाल के महीन बारीक पीस लेंगे। इसमें हल्का सा पानी भी डाल देंगे। चटनी पीस के तैयार है, बिल्कुल फाइन हो गया ये। फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे तड़के के लिए। इसमें सरसों के दाने, दो लाल मिर्च, कड़ी पत्ती, गैस बंद कर दें। इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नारियल चटनी बनके अब तैयार है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है। अब ये बनके तैयार है। लीजिए तैयार है नारियल की चटनी, जिसे लोग इडली और डोसे के संग खाना पसंद करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल में ये डिश पसंद की है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।